भटनागर साहब, आपका मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन फिर भी एक तोड़ निकल सकता है इसका। वो लौंडा जिसकी पिटाई हुई है, उसे को अपना केस वापस ले ले। नहीं लेगा वो। अरे कैसे नहीं लेगा? अगर मुट्ठी गरम करके नहीं लेगा तो और बहुत तरीके हैं गणेश बिहारी के पास। जूते मार मार के सर गंजा कर देंगे साले का। जरा नाम तो बताओ उसका, कौन है वो? उसका नाम शक्ति नाम है उसका। लड़की का नाम शक्ति है? हाँ यही नाम है उसका। आपके बेटे ने शक्ति को मारा? शक्ति पे हाथ उठाया उसने और हमें खबर तक नहीं हुई इस बात की? क्यों बे जगन, तुझे तो हर बात की खबर रहती है ना? गणेश भाई, अब उस लड़के का नाम आपके सामने लेते हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? खा जाऊंगा क्या हम तुम्हें? अरे शक्ति की पिटाई हो गई, घायल हो गया, और तुमने उचित नहीं समझा कि हमें बताया जाए? गणेश भाई, उस नमक हराम की यही सजा थी। खबरदार, उसको गाली दी तूने तो। मुझे तो लगता है जो मुझे छोड़ के गया है उसमें जरूर तेरा कोई हाथ है। गणेश भाई, हम ऐसा क्यों करेंगे? अरे क्यों नहीं करोगे? तुम्हें डर लगता होगा ना कि कहीं हमारी आंखों में तुमसे ऊपर ना उठ जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा? गणेश भाई, आप उस लड़के को जानते हैं? हमें माफ करो कमिश्नर साहब, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। आप जाओ यहां से। गणेश भाई, बात क्या है? इतने बरस मैंने आपका हर काम किया है, मुझे जानने का हक है। वजह जानना चाहते हो ना तुम? हाँ। रवि जैसे तुम्हारा बेटा है ना, वैसे ही शक्ति हमारे बेटे जैसा है। अब अपने बेटे को खबरदार कर दो। पुलिस तो अपना काम जब करेगी तब करेगी, लेकिन उसके पहले हम उसका काम तमाम कर दूंगा। गणेश भाई, मेरे बेटे के बारे में आप मेरे ही सामने ऐसी बातें कर रहे हैं? गणेश बिहारी कोई वार छुपके नहीं करता, जो करता है डंके की चोट पे करता है। शक्ति को मारा ना तुम्हारे बेटे ने, उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। गणेश भाई, मेरे बेटे से जो कुछ भी हुआ नादानी में हुआ, आप उसे सजा दीजिए, लेकिन एक मुजरिम समझकर नहीं, अपने दोस्त का बेटा समझकर। ठीक है, तुम्हारा मान रखने के लिए ये भी कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है हमारी। अपने बेटे से कहो हमारे सामने नाक रगड़ के शक्ति से माफी मांगे। मैं रवि से पूछ कर बताऊंगा। ना ही रवि से पूछ के, हमें अभी हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम्हें यह सौदा मंजूर है कि नहीं? ठीक है, मुझे मंजूर है। नहीं डैडी, उस दो टके के छोकरे से मैं माफी मांगू? हरगिज नहीं। अरे छोकरा चाहे दो टके का हो या दो कौड़ी का, इस वक्त उसका परिणाम उससे ज्यादा भारी है। अरे माफी तो क्या, अगर ये गणेश बिहारी तुझसे 10 बार उठक बैठक करने को कहेगा ना, तो वो भी तुझे करना पड़ेगा। जस्ट फॉरगेट इट। आपके साथ आप मेरी भी इंसल्ट क्यों करवाना चाहते हैं? रवि ने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी और आज भी वो किसी के सामने नाक नहीं रगड़ेगा। उल्लू के पट्टे, यही तो वो चाहता है, यही तो चाहता है वो। इस छोकरी ने पता नहीं इस गणेश बिहारी पे कैसा जादू कर दिया। अपनी गर्दन छुड़ाने गया तो एक और रस्ती मेरे गले में डाल दी। देख देख, मैं उसे जुबान देकर आया, अगर अब पीछे हटता हूं तो एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ समंदर है। जुबान तो आपने दी है, मैंने नहीं। मेरी तरह से आप जाके माफी मांग लीजिए उसे। बदसुबानी करता मेरे साथ, मैं तेरा बाप हूं या तू मेरा बाप है? देख देख, अगर तू चाहता है कि तेरे बाप की पोजीशन बनी रहे तो चुपचाप गर्दन झुकाकर तुझे माफी मांगनी होगी, समझा? अविनाश, you know, I'm so excited about this match. काश तुम लोगों के साथ ये मैच मैं भी खेलती। अंजलि, आइडिया बुरा नहीं है। तुम एक काम करो, तुम एक गर्ल्स क्रिकेट टीम बना लो, फिर इस मैच के बाद उस मैच का अनाउंसमेंट कर देंगे, क्यों? ओके ना, बाय। और इस मैच के हम लोग टिकटे भी रखेंगे। क्यों, टिकट किस लिए? मदारी का खेल, मुफ्त में थोड़ी दिखाएंगे हम लोग। ए, तुम लोगों को टीम में चांस क्या मिला? अपने आपको इमरान खान समझने लगे? अरे अब तक तो तुम आगे पीछे दौड़ के रन बनाते थे, पता चलेगा जब भारत कॉलेज के नौजवान तुम्हारे छक्के छुड़ा देंगे। अंजलि, दिस इज वेरी मीन ऑफ यू। हम तुम्हारे ये आरजू पूरी नहीं होने देंगे। हाँ
वो तो बुरा मान गया। मैं तो तुम्हारा हौसला बढ़ा रही थी। असली बात तो ये है कि मैं रात दिन यही दुआ मांगती हूँ कि वो भारत कौर के नौसी के लड़के ये मैच जीते ही नहीं। अगर तुम इन सब के लिए दुआ मांगोगे ना तो ये लोग मैच में जरूर जीत जाएंगे। 100% तुमने प्रिया के लिए दुआ मांगी थी ना, तो प्रिया इलेक्शन जीत गई। बिल्कुल ऐसी दुआ तुम इन सब के लिए मांगना। शक्ति तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम इस टीम में होते ना तो किसी को न दवा की जरूरत पड़ती न दुआ की। वेरी ट्रू। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे शक्ति। क्यों? गणेश भाई ने तुम्हें याद किया है, हम तुम्हें लेने आए। मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें साथ ले जाने का हमें कोई शौक नहीं है। ये लो सिक्का और खुद बात कर लेना फोन पे। गणेश भाई, मैं बोल रहा हूँ शक्ति। अरे मुन्ना, सुना तुम कॉलेज में फिर दंगा फसाद शुरू कर दिया हो? नहीं नहीं गणेश भाई, इस बार जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। अरे तभी तो अपना हाथ धुलाकर बैठ गए हो। अरे दो हाथ तुम भी रसीद करते तो साला झमेला ही नहीं रहता। झमेला जी? कैसा झमेला? अरे बबुआ, हर बात फोन पर तो नहीं ना समझाई जा सकती। तनिक इधर आओ तो सब बात का खुलासा हो जाएगा। जी ठीक है, आता हूँ। जय देवा। देखो, हम मानता हूं ये माफी हमसे मांग रहा है, तुमसे नहीं। अब तुम भले हमें अपना समझो ना समझो, लेकिन गणेश बिहारी के लिए शक्ति आज भी वही शक्ति है जो कल था। नहीं गणेश भाई, मैंने उस रवि पर हाथ नहीं उठाया, इसकी वजह कोई और है। पर अब उससे माफी मंगवाकर आप इस आग को और हवा दे रहे हैं। देखो, तुम उस पर हाथ क्यों नहीं उठाया ये हम नहीं जानना चाहूंगा, पूछूंगा भी नहीं तुमसे। अरे लेकिन कमिश्नर का लौंडा है तो क्या हो गया? ससुर अपनी मनमानी कर सकता है? नहीं, सजा मिलेगी उसे, माफी मांगनी पड़ेगी तुमसे। गणेश भाई आइए, कमिश्नर साहब आइए, ले अपने बिगड़े दिल शहजादे को आइए। गणेश भाई, मैं आपके कहने पर बड़ी मुश्किल से इसे मना कर यहाँ लाया हूँ। अब मेरी आपसे ये दरखास्त है कि इसे और शर्मिंदा ना करें। जा बैठे, जा तू बैठो। छोकरे की सूरत देखकर तो लगता नहीं कि शर्मिंदगी या पछतावे जैसे शब्दों से वाकिफ भी है ये। क्यों भाई, शक्ति से कोई दुश्मनी है तुम्हारी? नहीं। कुछ बिगाड़ा उसने तुम्हारा? नहीं। अरे तो फिर उसे मारा क्यों? यूं ही मौज मस्ती तफरी? आपको जो समझना है समझ लीजिए, डैड ने कहा इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जबान लड़ाता कम्बा। गणेश भाई, ये सब क्या है? इस छापड़ का कारण अगर तुम्हारा बेटा हमसे जानना चाहेगा तो हम जवाब दूंगा उसको। जानना चाहते हैं तो? नहीं। शक्ति से माफी मांगने में कोई आपत्ति है तुझे? नहीं। चल। और एक कहावत तूने सुनी होगी, इंतकाम की आग भले 100 साल की क्यों ना हो लेकिन इसके दांत हमेशा दूध के होते हैं। इसके बाद अगर तूने कभी शक्ति का रास्ता काटा तो गणेश बिहारी के गुस्से से तेरा बाप तो क्या शहर की पुलिस फोर्स नहीं बचा सकते तुझे, समझा? अब जो काम करने आओ कर और दफा हो यहां से। चल माफी मांग। अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, हिंदुस्तानी में मांग और छुपके। गणेश भाई, ये तो जाती है। क्यों, बाप का दिल पसीज गया है? और शक्ति का जो हाल हुआ था वो सुनकर हमारे दिल पर जो छुरियां चली हैं उसके कोई मोल नहीं। माफी मांग, माफी मांग, चुप। मुझे माफ कर दो। एक बार फिर मुझे माफ कर दो। जोर से बोलो, हमको सुनाई नहीं दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
हम तो इसे माफ कर दिया शक्ति, अब तुम भी इसे माफ कर दो। ले जाओ कमिश्नर अपने बेटे को, अब सब मामला रफा दफा हो चुका है। अगर मुझे जरा भी यह अंदाजा होता कि आप मेरे बेटे के साथ ऐसा सलूक करेंगे, उसकी ऐसी दुर्गति करेंगे, मैं इसे कभी नहीं लाता। जो दुर्गति तुम्हारे बेटे ने शक्ति की है ना, उसके मुकाबले में हम जो किया हूं वो रुपए में 10 पैसा भी नहीं है। आपने हमसे कहा था ना कि रवि के साथ दोस्त के बेटे की तरह पेश आऊं, तो वही किया हूं हम। ले जाइए इसे। Introduce Central College. Okay, let's hope for the best. Yes, sir. Ready? Who's heads and who's tail? Heads for me, sir. Right, Avinash. Here goes. Tails. Oh, jit gaye? Oh, jit gaye ji. Oh, Hasan bhai. Well, begun is half the battle won. Taaj ta humne jit liya, match bhi jit kar dikhate hain. Chaliye, dekhiye kya hota hai. Anyway, all the best to you. Oh ji, all the best ki zarurat hame nahi, aapki team ko hai. Kyun? ओए मेरे सिपाहियों, जहां बात सिपाहियों, हथियार लेकर टूट पड़ो दुश्मन के ऊपर। चल मिले शेर।
कैप्टन साडा रवी शेर आ। इनका कैप्टन तो लिफाफे पे स्टैम्प की तरह चिपक गया। तो क्या, अभी तो लिफाफा सिर्फ खुला है अंजलि। खत का मजमून पढ़कर सारे लिफाफे रद्दी की टोकरी में जाएंगे। चले टिपू जा, जम के खेल नहीं तो तू देख फिर हासिल। ओहो वेलकम मिस्टर काले, वेलकम टू आवर पवेलियन। जाने में देरी तो नहीं? बस थोड़ी सी देर हो गई। जरा पहले आते तो पहली विकेट गिरने की एक्साइटमेंट में आप भी शामिल हो सकते। एनीवे बेटर लेट देन नेवर। ओए इसी तरह आप बनाते रहो, 200-300 रन तो ऐसे ही बन जाने हैं। सॉरी दा लगदा चाचा, भाई हम तुझे शेर शेर कहते रहे और तू चूहे की तरह दुम दबाकर भाग निकला। चल हट। उसी की है, ये मना किया दौड़ने के लिए। ही खेलते रहेंगे, शाम को तुम चली आना सेलिब्रेशन पार्टी में, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। यहाँ मैच खेलने आया है लफंडरगिरी करने। भड़क गया लगता है दोनों बहने। अम्मा भी समझे। What is this? ए लंबू ये ले चौका, अगली बार जब बॉल फेंकता ना तो छक्का भी मार के बताऊंगी। चल फोट यहाँ से फोट। ओ टिंगू तू क्या शक्ल देख रहा है, चल खिस्सा कुछ के बीच है, निकाल निकाल। आइस 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 आइस। ये तो इंटरनेशनल मैच का मजा आ रहा है असेंबली। आई थिंक आई शुड कम मोर ऑफन। ओ मोस्ट वेलकम मिस्टर काले। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ अगली बार जब आप आए तो बैट मैं आपके हाथ में थमा दूंगा और बॉलिंग खुद करूंगा। मैच देखेगा कौन? नो प्रॉब्लम मिस्टर काले, कुछ आप अपने मुजरिमों को ले आइए और कुछ मैं अपने स्टूडेंट्स को ले आऊंगा।
फायरिंग मैन। ओए देखो देख कैसे फड़फड़ा रहा है जैसे पिंजरे में बंद तोता। What's wrong with them, यार? अब तक तो इनकी विकेट उखड़ जानी चाहिए थी। Damn it! I was sure there. अगर तुम वहाँ होते ना, तो ये 50 भी क्रॉस नहीं कर पाते। सच्ची। ए अविनाश, गोपी, कार्तिक, come on, kill them, यार। चिंता की कोई बात नहीं है। अरे अगर ये लोंडे 50 से ज्यादा रन बना जाए ना तो गुरबचन इस क्रिकेट के मैदान पर कदम नहीं रखेगा। चलो जाओ बचाओ, लस्सी दूध दूध पी के तैयार हो जाओ, दुश्मन पर टूट पड़ो। यस सर।